हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं फिर अपना सेकंड लेक्चर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। और इसके दो लेक्चर और लूंगी मैं, उसमें कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? तो आपके टेस्ट से पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट टेस्ट मैंने हाफ चैप्टर तक ही रखा है सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस और उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले रिविजन कर लेते हैं, कल हमने कौन कौन से केसेस डिस्कस किए थे। हाँ जी, मान लीजिए फर्स्ट केस तो यही था कि मान लीजिए वायर के करंट मेथड हमने कैरिंग सारे के वायर सारे है, यस, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं एक एलिमेंट की वजह से जिसका लेंथ डीएल है, तो कितना आया था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आगे। आई बाय ए साइन थीटा आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मुझे वेक्टर डीएल फॉर्म में इज इन बताओ, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में यूनिट आई डीएल डी कॉस आर को 4 पाई ए और आर आर क्यूब। क्यूब आर क्यूब, ठीक है। स्केलर फॉर्म में जो आप बता रहे हो क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एल आई बाय ए सॉरी आई बाय ए डी एल साइन आर थीटा बाय आर साइन स्क्वायर थीटा बाय, अगर आर क्यूब है तो ये आर से आर कटता है, स्क्वायर बच जाता है, ठीक है? तो ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म भी और स्केलर फॉर्म भी। ये आ जाएगा आपके पास आई डी एल साइन थीटा वाई में आर स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैम ये कहाँ से आ गया? ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, मान लो पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस ही है, ठीक है? उसमें करंट का डायरेक्शन और डीएल का जो डायरेक्शन है वो सेम है। मैम बट यहाँ पे तो बस आर आर आता है ना, ए कहाँ से आ रही है यहाँ पे? यस मैम, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ वो हम उसमें लेते हैं ना, सर्कल वाला मुझे याद रह गया, ठीक है? तो सॉरी, ये आर ले रहे हैं ना फिर हम, ठीक है अभी? मैम हाँ ये जी, डी बी होगा ना? डी बी, हाँ स्मॉल एलिमेंट के लिए आप डी बी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऊपर वेक्टर फॉर्म में लगाइए, वेक्टर तरीके से लिख रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने किया था कौन सा? मैम स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल मैम इनफिनाइट वायर में मान लीजिए आपके पास एल लेंथ की वायर है, ठीक है? तो इसकी वजह से हम लोगों ने निकाला म्यू नॉट फोर बाय पाई फोर आई बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू। ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने कोई परपेंडिकुलर, ये जो थीटा वन है ये है, ये जो थीटा टू है वो ये है, ठीक है? और ए जो है ये डिस्टेंस है, यहाँ इस पॉइंट से इस तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा आपके पास? ए। फिर हम लोगों ने इसी के दो केसेस डिस्कस किए थे, एक इनफाइनाइट, यस मैम अगर आपके पास लॉन्ग वायर वर्ड यूज किया हो या इनफाइनाइट वर्ड यूज किया हो तो आपके पास थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन जाता है? म्यू नॉट बाय में 4 पाई टू आई आई बाय बाय ए ए मैम आ जाता है साथ में। और अगर हम बात करें सेमी इनफाइनाइट की, तो एक एंगल आपके पास क्या है, थीटा वन इक्वल्स टू लेट्स से आपके पास जो वायर है एक तरफ इन्फिनिटी है और यहां देख रहे हो आप, तो एक एंगल आप क्या ले रहे हो 90 और दूसरा एंगल क्या ले रहे हो 0, जीरो ठीक है? तो उसमें आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसी का आधा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर कॉइल, अगर है मान लीजिए एक लूप है इसमें करंट आई जा रहा है, तो अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए या आई बाय आर भी लिख सकते हो आप इसका जो रेडियस है, ठीक है? अगर एन लूप्स हो जाए, फॉर एन लूप्स तो क्या हो जाता है, एन से मल्टीप्लाई एन हो इंटू में म्यू बाय जाएगा। 2 आई बाय आर। तो इनसे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, आई विल कॉन्टिन्यू फ्रॉम हेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ ले लीजिए, इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तो केस वन सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे? हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा है अभी, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर या ए ले लीजिए आर, जो भी रेडियस होगा आपके लूप का, ठीक है? अगर सेमी सर्कल की बात आए तो इसको हम आधे से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सर्कल की वजह से, एक एक जो लूप है उसकी वजह से। और अगर आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा फॉर क्वाड्रेंट, ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसका भी आप 1/2 करेंगे, 1/2 ऑफ सेमी सर्कल। और कोई अदर एंगल पे आप निकाल रहे हो तो कैसे करते, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट बाय टू
आई बाय आर अल्फा बाय में 2 पाई। मान लीजिए ये मैंने कोई ऐसे आर्क लिया है, इसकी वजह से मैं निकाल रही हूँ एक सेंटर के ऊपर, तो ये जो एंगल बनेगा अल्फा वो यहाँ पुट करना है, डिवाइडेड बाय में 2 पाई, आर इसका रेडियस हो गया, आई इसमें से जो करंट पास कर रहा है। तो ये फॉर्मूले भी हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, निकालिए किसी का आए तो बताएं। डायरेक्शन सही है मैम, राइट साइड वाली? ये इसमें उसकी एरो हाँ उल्टी है। ये उल्टा आएगा। हाँ वो आप देख सकते हो लूप में तो एक ही तरीके से करंट फ्लो करेगा ना, इसका डायरेक्शन कर लो ठीक। वैसे इसकी डायरेक्शन से हमारे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये वाला वायर और ये वाला वायर की वजह से आएगा ही नहीं, वो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। हो ठीक है, तो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। लेट्स सी, ये वाला पहला पार्ट है, ये वाला दूसरा, तो बी वन बता दो कितना होगा, म्यू नॉट बाय में 2 आई बाय में रेडियस कितना है इसका ए, और आधा लेंगे हम लोग इसका, क्यों, क्योंकि एक सेमी सर्कल है ना, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा डायरेक्शन, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड बेटा, आउटवर्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड। हम लूप का कैसे चेक करते हैं, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड कीजिए और थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन, तो आउटवर्ड। बी सेकेंड क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा ना, यस मैम, इतना है, तो म्यू नॉट बाय 2 आई बाय बी, ये भी आधा हो जाएगा। इनटू 1/2। ठीक है, अब क्या, इनटू 1/2, हाँ यस इनटू 1/2। और अब आपको नेट अगर निकालना है वो क्या हो जाएगा, आपके पास छोटा वाला रेडियस में से बड़े वाला माइनस कर लेते हैं, जहां ये वाला क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा ना, तो आप कह सकते हो म्यू नॉट बट बाय 2 आई बाय ए, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा बाहर, कितना बचा, 1/a माइनस में 1/b, ए कॉमन नहीं आएगा, मैम ए आपने कॉमन ए भी नहीं, तो ले लिया हाँ बाहर। ए नहीं आएगा अभी। ठीक है, मैम बड़े वाले रेडियस से छोटे वाले रेडियस को माइनस करना चाहिए ना। नहीं देखो आपका रेडियस जहां छोटा है वो डिनोमिनेटर में ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो जिसका ए छोटा है यानी जिसका रेडियस छोटा है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो यस नेट मैम कहाँ होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, मैम, एक बार डायरेक्शन वाला यस बता मैम दीजिए आपने। डायरेक्शन देख लो, पहला लूप ले लो, फर्स्ट वन लो, करंट की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स को क्लोज कीजिए, कर्ल कीजिए, तो जो ये मेरा थंब पॉइंट कर रहा है ये आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन है ना, आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर कह लो, प्लेन कह लो, बोर्ड कह लो, ठीक है, तो ये फर्स्ट लूप की वजह से हो गया। सेकंड का आप उल्टा कर सकते हैं ऐसे, करंट की डायरेक्शन में इसको फोल्ड करें तो ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनटू द पेपर, यस मैम, ठीक है, और वन ये वाला जो पार्ट है इसकी वजह से आएगा ही नहीं, जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि एक्सिस के ऊपर ही लाई कर गया ना। यस मैम, ठीक है, अब सेकेंड वाला ट्राई करो खुद, पहले इसकी वजह से निकालो सेंटर पे कितना आएगा, रेडियस मान लीजिए कितना है आर, और इसकी वजह से निकालो कितना आएगा, तो मैं बी वन लिख रही हूँ यहाँ पे और बी टू आप बताएंगे मुझे कितना आएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन यही आ रहे हैं, जो इस सेक्शन से आ रहे हैं वो यही है, आपको फिगर बना के दे रखा है और पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो कितना होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा भी ले रखे हैं। मैम इसका आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर 1 + 1/5। चेक करते हैं, चलो बाकी भी निकालिए, म्यू नॉट आई बाय 2 आर 1/π+1, हाँ यस मैम, यही बनेगा, यस मैम यही है। तो फर्स्ट की वजह से मुझे बता दो म्यू नॉट बाय में 4π, इनफाइनाइट वायर है वो, इनटू में 2 आर आई बाय आर इनटू में 2, टू, और सेकंड की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, यही होगा, यही होगा या नहीं होगा। अब यस मैम, डायरेक्शन बता दो बी वन का कितना है,
मतलब इनवर्ड है या आउटवर्ड है? आउटवर्ड। मैम आउटवर्ड। और सेकंड मैम का जो आपने इनवर्ड ये वायर की वजह से लिया है मैम, वो तो एक ही साइड से इनफाइनाइट है ना, नहीं, या अगर आपको सेमी ऐसे इनफाइनाइट? वो अलग से आपको मेंशन होगा, ये वायर अब पूरा अगर आगे मैं इनफाइनाइट रख रही हूँ वो पूरा इनफाइनाइट है, ये समझ लीजिए। अब मैंने कोई कंडीशन तो ओके दे ही नहीं मैम। रखा ना आपका इस पॉइंट से निकालने के लिए डिस्टेंस वगैरह क्या है, तो आप उसको कंसिडर ना करें, वो अलग से मेंशन होगा कुछ ऐसी बात होगी तो। ओके मैम। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखो, इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड, तो दोनों डायरेक्ट ऐड ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास नेट जो आएगा वो क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू टू प्लस में म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या 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 कॉमन लोगे? म्यू नॉट आई आर, ये कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और 1/2 भी कॉमन ले सकते हो। तो आपका फाइनल रिजल्ट यही बनेगा, म्यू नॉट आई बाय आर, मैंने 1/2 भी ले लिया, तो अंदर बन जाएगा आपके पास 1/π प्लस में 1। मैच हो गया सभी बच्चों का? मैम बोलो बेटा। अगर ये मतलब राइट हैंड थंब निकाल कर डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो मैम वो दोनों के बीच 90 एंगल नहीं होगा? क्योंकि मैम वायर की वजह से ये आउटवर्ड है और वायर की वजह से सर्कल देखो, की वजह से। आप वायर की वजह से जब निकाल रहे हैं, जब आप होल्ड कर रहे हैं कंडक्टर को, तब आप कैसे लेते हैं राइट हैंड रूल को? आप करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं थंब को और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना है उसमें से हमारी फिंगर्स आउटवर्ड आ रही हैं या इनवर्ड जा रही हैं, ये देखो। आपने कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड थंब लिया, तो आप आउटवर्ड आ रही है ना पॉइंट से, ठीक है, क्लियर है? जब आप लूप की बात करते हैं वो एक स्पेशल केस हो गया, उसमें डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं कि जो हमारी फिंगर्स है उनको करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं, और बाहर वाला जो ये थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, दोनों अपोजिट है। तो लूप के केस में हम करंट के अलॉन्ग उसको फोल्ड करके थंब से निकाल लेते हैं, बट जो आपके पास लाइंस है कंडक्टर्स है जिनको होल्ड करके आप पता करते हैं कि इसके अराउंड कैसे होगा, तो ये आई की डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है और ये आपके फिंगर्स आउटवर्ड है या इनवर्ड बता देंगे किसी भी पॉइंट पर। आई बात समझ में? अभी मैम एक कर बार लिया ये बी क्या टू कैसे निकाला है बता दो मैम। बेटा? बी ये टू बी कैसे टू निकाला है? मैम बी टू एक लूप है, देखिए एक लूप की वजह से क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर होता है ना, यस मैम लूप की वजह से सेंटर पे निकालना है इस पॉइंट पर, तो आर यस। पता है आई पता है, म्यू नॉट बाई 2 करना है, बस डायरेक्शन चेक करना था हमको कि और आउटवर्ड है या मैम इनवर्ड। जो B1 वाला था हमने उसमें इसको वायर से निकाला है ना। हाँ ये वायर से है, मैंने मेंशन किया ना ये 1 है, ये वायर वाला है। ठीक ओके है, मैम चलिए अब एक और कीजिए, चलिए ये वाला कीजिए। अगर ये आप कर पाएंगे तो इसमें सारे केसेस ऑलमोस्ट आ गए हैं, वायर का भी है, सेमी सर्कल का भी है, ठीक है, और आई और जे की फॉर्म में मुझे आंसर बताना कितना आएगा। मैम ओ पे ही फाइंड करना है ना? हाँ जी, एट ओ। अब जैसे आपको यहां दिख रहा है कि वो सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल नहीं, सेमी इनफाइनाइट केस हो गया ना, आपको एक पॉइंट तो पता लग गया यहाँ है और एक इनफाइनाइट है, एक पॉइंट यहाँ है एक इनफाइनाइट जा रहा है, तो यहाँ सेमी सर्कल, सॉरी फिर से सेमी सर्कल बोल रही हूँ, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आप निकालोगे। यस मैम। तो सबसे पहले मुझे इसकी वजह से बता दो, चलो ये वाला जो है इसको नंबर 1 दे देते हैं। मैम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए यस, या म्यू नॉट अपॉन में फोर आर पाई आई बाय में ए? आर, हाँ आर रखता हूँ। ए की जगह आर हो गया। डायरेक्शन क्या होगा ओ पे इसका? इनवर्स इनवर्स नीचे की तरफ होगा ना, अगर आप इसको ऐसे पकड़ रहे हैं तो ओ पॉइंट पे किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, यानी कि माइनस जे कैप लिख दू, ये मैंने वाई एक्सिस दिखा रहा है, दिखा रखा है आपको, और ये एक्स एक्सिस दिखा रखा है, तो जरा फिगर को ध्यान से देख लेना। इन जनरल हम इधर जेड लेते हैं, इधर एक्स और इधर वाई लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप।
अच्छा सेमी सर्कल की वजह से बताइए, बी टू म्यू नॉट बाय में टू आई बाय आर, और इसका क्या करना पड़ेगा, आधा 1/2 क्योंकि सेमी सर्कल है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में अपने इनवर्ट फिंगर्स को प्लेस करें, इनवर्ट्स। इनवर्ट इनवर्ट क्या है, माइनस आई कैप, राइट। थर्ड की वजह से बता दीजिए अब, थर्ड की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई 4 पाई आई आई बाय बाय आर, आर डायरेक्शन अंदर कौन सी जा रही है, माइनस आई कैप। मैम ये आपने कैसे निकाला ये वाला लास्ट का डायरेक्शन? लास्ट का देखो, करंट की डायरेक्शन में आपने कंडक्टर को पकड़ा, करंट को पॉइंट कर रहा है क्या मेरा थंब, ठीक है, और मेरी यस फिंगर्स मैम, ओ पॉइंट के अक्रॉस जा रही है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ कौन सा एक्सिस है, माइनस आई, माइनस एक्स, तो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ माइनस आई कैप से। अब आपके फॉर्मूले, आपके जो ऑप्शंस होंगे ABCD ऑप्शन, अगर आई जे के की फॉर्म में पूछा है तो आप वैसे बता सकते हो, अगर नेट पूछा है तो आप प्लस माइनस करके बता सकते हो। तो निकाल लोगे अभी सारे बच्चे, मैम ये माइनस जे वाला नहीं आया। माइनस जे वाला नहीं आया। तो पहले वाला देखिए, करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है, आपके फिंगर्स ओ पॉइंट से क्रॉस हो रही है नीचे की तरफ, यस और नो, आपके फिंगर्स ओ से गुजरती हुई नीचे की तरफ जा रही है या नहीं, अपने हाथ से करके देखो, राइट हैंड रूल से इस कंडक्टर को पकड़े, करंट की डायरेक्शन में थंब ले और अपने फिंगर्स को कर्ल करे ओ की तरफ, तो ओ से डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं यानी फिंगर्स हमारे, यस मैम तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ जे जी कैप। क्लियर है सभी को, अभी निकाल लेंगे। थर्ड वाला आउटवर्ड होगा ना, आप क्या बोल रहे हो बेटा, थर्ड वाला, थर्ड वाला इनवर्ट। नीचे की तरफ है बेटा, एक्स के अपोजिट, ओके मैम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, किसी को इसका शॉर्ट ट्रिक पता है, एनी वन ऑफ यू, अभी आईआईटी का पेपर दे के आए हो, आंसर जीरो आएगा, सेंटर पे आंसर जीरो आता है जब ऐसे करंट आपका, देखिए क्या करा मैंने, एक वायर को इधर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया ना करंट, अब मैंने एक कनेक्शन इसको यहां दे दिया, तो यहां से जो करंट आएगा प्लस यहां से जो करंट आएगा वो इसमें से बाहर जाएगा, तो यहां से जो आई एंटर कर रहा है यहां से आई बाहर जा रहा है। फिर से बताओ, फिर से बताओ। देखो यहां से करंट, मैंने इसको एक कनेक्शन दे दिया यहाँ पे, यहां से करंट आ रहा था, अब एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो आर्क लेंथ दिख रहा है आपको, ये पूरा कंप्लीट यहां तक, इसमें आई वन करंट जा रहा है, और ये वाला जो नीचे की तरफ स्प्लिट हो रहा है इसमें आई टू करंट जा रहा है, यस मैम, ये वाला, तो दो आर्क बन गए ना हमारे पास, आप इनको कह सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट हो गया ना आपका, करंट सेम रहता तो मैं यस बोलती मैम, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो अभी करंट स्प्लिट हो रहा है, इसका ये चीज एक यूज होगी हमारी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, वैसे आंसर जीरो आएगा मैं बता रही हूँ। तो यहां पर अब जो इस तरीके से करंट स्प्लिट हो रहा है एक सर्कुलर लूप के अंदर, तो कितने ही एंगल पे हो, मैं इस करंट को चाहे यहां पुट कर दूं, दूसरा मैं यहां लगा दूं, पहले वाला मैं अगर यहाँ कनेक्शन कर दूं, दूसरे वाला यहाँ कर दूं, जैसे यहाँ तो आपको 90 डिग्री पे दिख रहा है ना कनेक्शन, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे अब मैं कितने भी एंगल पे कर दूं मेरा आंसर जीरो आएगा, ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, लेकिन कई बार शॉर्ट ट्रिक से समझ में नहीं आता तो निकालना भी तो आना चाहिए, निकालेंगे कैसे अब, सबसे पहले ये बताओ मुझे, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है ना, यस मैम, तो मुझे बता दो, ये जो इधर वाला जो आर्क दिख रहा है आपको, ये पूरा जिसमें आई वन जा रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है पूरा, ये 270 270 थ्री पाई बाय टू, ये अगर यस मैम, 90 है तो 3 क्वाड्रेंट का 3π/2 हो गया ना, ठीक है, तो यहां से अब आप यस कैसे मैम, निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया था अल्फा वाला, क्या जाएगा आपके पास, म्यू नॉट बाय में टू आई बाय में इसका रेडियस आर, ऐसे लिख दू अल्फा बाय में 2π, अल्फा कितना है 3π/2, ठीक है, बाय में 2π, यही था ना, अल्फा क्या हो गया यहाँ पे 3π/2,
पाई से पाई कैंसिल हो गया, टोटल कितना बच गया मेरे पास, थ्री म्यू नॉट आई बाय में 8 R। क्लियर ये चीज पहली? क्लियर है? यस मैम। अब सेकंड, ये मान लो फर्स्ट पार्ट है जो I1, ड्यू टू I1 करंट है, फर्स्ट ड्यू टू I1 करंट। फिर आता है ड्यू टू I2 करंट। आप ये कह सकते हो कि ये तो 90 डिग्री ही है, यानी कि पाई बाय टू है, तो B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय में 2 I बाय में R पाई बाय में 2 और यहाँ 2 पाई। अल्फा की जगह क्या आ गया आपके पास, पाई बाय 2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना बच गया, सही म्यू नॉट आई बाय में 8 R, वहां 3 भी आ रहा है। अभी डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट की वजह से किधर जा रहा है, इनवर्ड, इसकी वजह से है इनवर्ड, और इसकी वजह से आउटवर्ड, यस मैम। यानी नेट आप निकाल सकते हो कितना, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें से किसको माइनस करूं बताइए, मैम ऊपर वाले में से नीचे बी वन वाले। माइनस बी टू करके हम नेट निकाल लेते हैं, हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा। कॉमन क्या ले रहे हैं, देखो म्यू नॉट बाय आई, सॉरी म्यू नॉट आई बाय में 8 R आर, आर 8 R, यस कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास यहाँ क्या बच रहा है, 3 -1। यस, तो ये आपके पास नेट निकल जाएगा। और नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ, करंट भी तो अलग अलग है ना, ऐसे कैसे माइनस कर देंगे, यहाँ पे करंट क्या I1 है और यहाँ करंट क्या है I2। आर्क में करंट अलग अलग जा रहा है ना, तो यहाँ क्या है इक्वल I1। डिफरेंस होगा ना मैम। इक्वल नहीं है बेटा, करंट इक्वल नहीं है, अभी देखेंगे इक्वल है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास म्यू नॉट बाय में 8 R, लेट से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी I2 आएगा, ये यहाँ भी I1। ठीक है, अब बताओ क्या आ रहा है अंदर, 3 I1 - I2। यस 3 I1 - में I2। अब मुझे इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा नेट रिजल्ट निकालने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट यूज करूंगी मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है वोल्टेज सेम होता यस है मैम। नहीं, यानी कि जो बड़े वाला आर्क है उसमें मान लीजिए लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नहीं करता, तो मान लीजिए उसका R1 है इनटू में उसमें जो करंट है, दिस इज इक्वल टू सेकंड का जो रेजिस्टेंस बनेगा I2। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है नहीं, रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, वायर का लेंथ टोटल जो है वो अलग अलग हो गया। इस आर्क का मान लीजिए कितना है L1, इस आर्क का कितना है L2। अच्छा मुझे बताओ, क्या L1 थ्री टाइम्स हो गए। 3 times of L2 नहीं हो गया? तो यस पहली बात तो जब मैम। मैं ये रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करूंगी रो एल बाय ए दोनों तरफ, तो रो बाय ए तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो आंसर क्या बच रहा है, L1 I1, दिस इज इक्वल टू L2 I2। अब यस L1 को मैम। पुट कर लो, L1 को पुट कर लीजिए, 3 L2, 3 L2 into I1 इज इक्वल टू L2 I2। तो क्या रिलेशनशिप आ गया कि थ्राइस ऑफ I1 इज इक्वल टू I2 है या नहीं? यस मैम। अब ये क्या हो गया जीरो पूरा, ये क्या हो गया, जीरो। आई तो टू हो गया। नेट आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। अब ये तरीका आना चाहिए कि आर्क की वजह से निकाला कैसे है, रेजिस्टेंसेस की हेल्प से मैंने करंट में एक रिलेशनशिप निकाल लिया, तरीका आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो लेकिन अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप सिंपल आपको दिख रहा है कि करंट इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, अब वो 90 पे है डिवीजन, कितने भी एंगल पे हो सेंटर पे 0 आएगा। क्लियर है सभी को? L1 इज इक्वल टू 3 L2 कैसे हुआ, एक बार बता आप दो। ये देख लो, पूरा जो है ये टोटल लेंथ 4 हिस्सों में समझ सकते हो ना, ये वाला यस लेंथ मैम। प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, ठीक है, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है। तो ये जो लेंथ है ऑब्वियस सी बात है, इसका 3 गुना कर दूंगी तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैम दैट मींस अगर ऐसा फिगर आता है तो बस अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो उसका मतलब जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। पर ये देख लेना कि यहां पर ऐसे पूरा लूप हो, ऐसा ना हो कि यहां से ये गायब कर रखा है और यहां से करंट और यहां से करंट आपको दिखा रखा है, तब आपको सिर्फ एक आर्क की वजह से निकालना पड़ेगा।
सेंटर पे, ओके मैम, या 90 है, मैं बोल रही हूँ कुछ भी एंगल हो, अगर ये लूप बना है कनेक्शन आप किसी एंगल पे कर लो, आप जीरो आएगा सेंटर पे, ठीक है, पर लूप होना चाहिए। ओके चले आगे। चले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसमें थोड़ा समझने में कोई दिक्कत है दोबारा रिवाइज कर लेना। यस और नो तो बोल दो। यस ओके मैम, यस मैम, अब हम आते हैं कुछ दो तीन टॉपिक्स, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप यहाँ निकालना है आपको, आंसर आपको इसका याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय में 2a² + x² की पावर 3/2। अच्छा मुझे बताओ, एक सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? क्वेश्चन भी करा था हमने। नहीं याद के मैम क्यू क्या एक्स, एक रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? मैम के के क्यू एक्स। एक्स अपॉन में R² + X² की पावर 3/2। यस ये आया था। तो यहाँ और यहाँ में डिफरेंस देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस आया था, लेकिन यहाँ एक्स नहीं आ रहा, और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ बन रही थी? +-1/√2 पे। याद आया कि वो पोजीशन क्या है जहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की? वो +-1/√2 पे आती है, ठीक है। कितनी आ रही है अब इस एक्स, ये वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, ये एक्स का वैल्यू है, इसको इसमें पुट कर दो, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। थोड़ा रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज इट इज कनेक्टेड थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट आई a² / 2 into a² + x² की पावर 3/2, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप वेयर बी इज मैक्सिमम। जैसे यहाँ +-1/√2 आया था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, यहाँ क्या आएगा? यहाँ तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ तो एक्स ऊपर भी था नीचे भी था, फिर हमने क्या किया था, DE/DX को =0 पुट किया, फिर ये एक्स का वैल्यू निकाला था। यहां से तो हम सीधा बता सकते हैं, जहां एक्स मिनिमम है वहां बी मैक्सिमम है। एक्स का वैल्यू सबसे कम सेंटर सेंटर, पे x=0, जिसका अभी आप फॉर्मूला निकाल चुके हो, जो हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस में, म्यू नॉट बाय टू आई हाँ बाई ए, ये बन जाएगा इसे देख लो आप, म्यू नॉट आई a² / 2 a² + 0 की पावर 3/2। तो 2 से ये 2 कटेगा, नीचे a³ बचेगा, ऊपर a² है, तो सिर्फ ए ही बचेगा ना, तो ये बन जाएगा जो अभी तक हम क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं, म्यू नॉट बाय टू आई बाय ए। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। ओके चलिए इस पे आ जाते हैं। एक लूप की वजह से, अगर म्यू नॉट आई बाय की बात कर रही हूं मैं, इसके बाद ही है ना, हाँ, एक लूप की वजह से वही है, म्यू नॉट बाय टू आई बाय ए है, तो एन लूप की वजह से हम एन से मल्टीप्लाई कर देते थे ना। अगर मुझे यहां पर भी निकालना है और यहाँ पर ढेर सारे लूप हो जाएंगे, तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? एन से, ठीक है। तो कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एन, जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो हमारा फॉर्मूला आया है ये, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ग्राफ बता सकते हो अभी? सेंटर के ऊपर आप देख पा रहे होगे कि मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है, और बाकी जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यस और नो? यस मैम, ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ पता है क्या होता है? गॉस लॉ जैसा सही कुछ होता है। हम क्या करते हैं मैम, इसमें, मान मल्टीपल ऑफ बी डॉट आई इक्वल टू यू नॉट बाय करंट हाँ जी मान इंक्लोज। बिल्कुल, मान लीजिए ये एक पॉइंट में दिखा रही हूँ, उसका मतलब क्या, करंट अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है? मैम बाहर बाहर आ रहा बाहर है। अब मैं इस करंट एलिमेंट की वजह से, मतलब ये जो करंट आ रहा है, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं पी पॉइंट पर देखना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी इसका रिजल्ट निकाल चुकी हूँ, क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और अगर ये इनफाइनाइट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं हम लोग, ऐसे ही किया था ना। तो यहां पर अगर मैं निकालना चाहती हूँ, तो मैं इस पॉइंट से पास होते हुए एक सर्कल कंसिडर करती हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। इस सर्कल के ऊपर चेक करना होता है बी का डायरेक्शन क्या है। तो इस मान लीजिए मैं एक डायरेक्शन मान लेती हूँ, ये आपका जो ये एलिमेंट है जो आपको, सॉरी ये करंट का जो डॉट दिख रहा है, ये इसकी तरफ थंब करें तो डायरेक्शन क्या आ रहा है, बी का, ऐसे ही आना ना,
इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर देखें तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है कि इस क्लोज्ड लूप के अलोंग अगर मैं इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल कर लू मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड इट। जो इसमें से करंट निकल रहा है, जा रहा है, जो टोटल बनेगा उसका म्यू नॉट टाइम्स कर देंगे तो बी डॉट डीएल आएगा। अभी देखो यहां से निकाल के देख लो। अब डीएल एलिमेंट की बात करें तो ये डीएल एलिमेंट है, ये भी इस डायरेक्शन में। मैंने एक डायरेक्शन अज्यूम करी, ठीक है, बी और डीएल में कितना एंगल बन रहा है बेटा, जीरो। ठीक है, मैं जो डायरेक्शन अज्यूम करती हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली क्या कर रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ। तो यहाँ से बी, इधर बी का आप निकाल सकते हो, जो भी आपको करंट दे रखा है उसके हिसाब से कितना किधर बनेगा। तो बी और डीएल के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो। तो यहाँ कितना बन रहा है, बी भी इधर है और डीएल भी इधर है, जीरो। तो ये आ जाएगा बी डीएल कोस जीरो, लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई इनसाइड जो भी आ रहा है इसमें। अभी देखो कोस जीरो तो हो गया वन, ठीक है। बी आपके पास कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर सेम ही आ रहा है ना, सेम डिस्टेंस पे है ना सारी जगह, मान लीजिए आर है तो बी कांस्टेंट है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू पाई आर आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जो इसमें पास हो रहा है। तो बी निकल गया ना यहाँ से म्यू नॉट आई बाय में टू पाई आर। क्या यही नहीं आया था मेरे पास इनफाइनाइट केस में, अगर मैं बात कर रही हूं तो म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर इंटू में टू कर रहे हैं, तो यही नहीं बन रहा, यस मैम, सेम बन रहा है। तो जो हम पहले रिजल्ट निकाल चुके हैं वो इसकी मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन एम्पेयर सर्किटल लॉ हर जगह कामयाब नहीं है, लग सब जगह जाएगा लेकिन जहां जहां सिमिट्री है, जहां जहां सिमिट्री है, या बी और डीएल के बीच में जो एंगल्स हैं वो जीरो बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, तब हमारे लिए ये यूजफुल है। क्योंकि तब हम बी को बाहर निकाल के कोस जीरो कोस 90 हमको पता है कि कितना होता है, कोस 180 पता है कितना है, तो दैट इज इजी टू सॉल्व। तो जहां आपको सिमिट्री दिखे वहां आप इस लॉ को अप्लाई करने का सोचे, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लो बी और डीएल के बीच में 90 का एंगल होता तो मैं क्या लिखती, जीरो ही हो जाता है, वैनिश ही हो जाता है, ठीक है। अगर जीरो है तो आपके पास मान लीजिए एंगल जीरो है तो बी डीएल कोस जीरो वन हो जाएगा। एंगल जीरो कैसे हुआ, अभी देखो पहले बात तो बी का डायरेक्शन, जो भी हम लोग ये सर्कल मान रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो उस पॉइंट से पास होते हुए एक आपने सर्कल, एक लूप, सर्कुलर लूप जो है वो बना लिया। अब उस सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पर इस करंट की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा किधर बन रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है, नहीं बन रहा है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करके देखें, इस डायरेक्शन में बनेगा। और जो डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो आपका लूप का डायरेक्शन है, मान लीजिए मैं जो अज्यूम कर रही हूँ, मान लो मैंने जो अज्यूम किया है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, तो वो डीएल का एलिमेंट का डायरेक्शन वो ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो। क्लियर है सबको। और करंट का यस मैम, डायरेक्शन भी मेरे अजम्पशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने, मान लीजिए ये जो एक आपके पास एक लूप बन रहा है, इसमें दो करंट आ रहे हैं, एक ये आ गया एक ये आ गया, एक आई वन हो गया मान लो, ये आई टू हो गया। मैंने डायरेक्शन लिया ये, मैंने डायरेक्शन लिया ये, तो जो थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा उस करंट को पॉजिटिव लेंगे। तो कौन से को पॉजिटिव लेंगे, आई वन को पॉजिटिव लेंगे और आई टू को नेगेटिव लेंगे। और अगर मैं ऐसे कर दूं, इसका डायरेक्शन भी मैं उल्टा कर दूं, मान लो मैंने ऐसे कर लिया, ये मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया है, तो ये आपके पास किस तरफ पॉइंट कर रहा है थंब मेरा, इनवर्ड। इनवर्ड का इनवर्ट्स। करंट होगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगी। अब इनवर्ड वाला यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, आई टू पॉजिटिव, ठीक है, और आई वन नेगेटिव। तो ये अजम्पशंस हैं। इस पे ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मतलब देखिए फॉर्मूला तो आप निकाल ही चुके हैं ना सारे, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ गया तो बन के आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसका ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आपको मुझे लगता नहीं पेपर में ज्यादा यूज करने वाला मिलेगा, ठीक है। चले आगे, यस मैम, मैम सिमेट्री वाला आपने फॉर्मूला क्या लिखा है बता दीजिए, सिमेट्री के बाद क्या लिखा है मैंने, ये मतलब लिखा है वो मैंने, सिमेट्री वाला फॉर्मूला क्या लिखा है आपने। यस मैम, ये तो मैंने यही दिखा रखा है ना, ये वाला तो मैं केस बता रही थी जो हम फॉर्मूला अब तक निकाल के बैठे थे इनफाइनाइट के लिए, वो क्या था,
म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर इंटू टू था ना, यस मैम, ठीक है, वो फोर को काट के दिखा रही हूँ कि यही रिजल्ट बन रहा है। ओके मैम, ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। फिर अभी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल वायर दैट इज कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस। सरफेस जनरली देखिए हम लोग सॉलिड वायर से डील करते हैं। सरफेस में क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक वायर दिखा रही हूं मैं आपको, ये एम्पेयर सर्किटल लॉ, अभी दो तीन केस डिस्कस कर रही हूँ ना, बस इनके लिए ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी रिजल्ट्स जो है वो भी अगर आपको ध्यान रहेंगे तो आपको उसका अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं बोल रही हूँ सरफेस पे करंट जा रहा है आई, अंदर करंट नहीं है, बाहर कोई करंट नहीं है, इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं। पहला, आउटसाइड अगर मेरा पॉइंट है, मान लीजिए यहां मेरा कोई एक पॉइंट है, इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो, आर दूरी पर है, ठीक है। सेकंड केस, इनसाइड, एंड थर्ड, सरफेस पे, ठीक है। तो आउटसाइड की अगर बात करें, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद है, देखो मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रही, मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके बता रही हूं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने निकाला था आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है स्फीयर के, इनसाइड कितना है या सेंटर पे कितना है, ये सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए और शेल के लिए डिस्कस किया था ना हम लोगों ने। तो आपको याद हो कि जो चार्ज जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास आउटसाइड और सरफेस के लिए, उस केस में हम लोग चार्ज का जो हमारा रिजल्ट आता है वो इस तरह आता है कि भाई जो चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको सेंटर पे मान लो, वो हम लोग रिजल्ट उसको सेंटर पे मान के और फिर जो टोटल डिस्टेंस होता था आर उसके हिसाब से रिजल्ट लिख देते थे। तो सेम टू सेम चीज, अब यहाँ पर जो करंट पास हो रहा है ना ये आई, इसको जब आप बाहर और सरफेस पे देख रहे हो तो आप किस पे मानोगे, जो इस एक्सिस पे से पास हो रहा है, सेंटर पे से जो पास हो रहा है, यहाँ अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ आप इजिली निकाल सकते हो इस पॉइंट पर, कैसे निकालोगे, म्यू नॉट बाय में फोर पाए आई बाय में आर, यही होगा ना, यही होगा। हाँ जी बेटा, यस मैम। और अगर ये इनफाइनाइट की बात है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना ही तो फर्क है, समझ में आई बात, ओके। अभी इनफाइनाइट ही लेके चलते हैं हम लोग, फाइनाइट फाइनाइट वाला केस अगर होगा तो अलग से मेंशन किया होगा कितना एंगल है। तो हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग, लॉन्ग बोला है ना, ये लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल वायर, जहां अभी लॉन्ग वर्ड है समझ जाओ वो दोनों तरफ इनफाइनाइट है। अब इसी का सरफेस से, सरफेस पे लिख सकते हो म्यू नॉट बाय में फोर पाए आई बाय में आर इनटू। मैम आपने आउटसाइड वाला केस में जो टू से मल्टीप्लाई किया है वो इनफाइनाइट वायर के लिए है ना? हाँ जी, ये इनफाइनाइट वाला ही केस डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। और सरफेस पे क्या हो जाएगा, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको, इतना क्लियर है सबको? ओके, इनसाइड में क्या हो जाएगा, जब बात हम इनसाइड की कर रहे हैं तो करंट तो आपका सरफेस पे ही है ना, तो उस केस में अंदर कोई करंट ना होने की वजह से जीरो हो जाएगा। सिर्फ आउटसाइड वाला और सरफेस तक हम अज्यूम करते हैं कि भाई एक्सिस से पास हो रहा है, अदरवाइज अगर अंदर चले गए हम लोग देखेंगे करंट नहीं है तो नहीं है भाई कोई बात नहीं, हम जीरो मान लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, बी और मान लीजिए जो डिस्टेंस है X। अब जब आपके पास R, इसको यही ड्रॉ कर लो ऐसे, तो जब तक आपके पास रेडियस तक आप पहुंच रहे हो, सरफेस तक पहुंच रहे हो, तब तक तो जीरो ही है, राइट? ये जीरो हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पर इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, समझ में आ गया। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि बताइए इनसाइड वाला इनमें से एबीसीडी ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा, या आउटसाइड के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सभी? मैम जो ये वायर आपने बीच में सेंटर में बना रखा है ना सिलेंडर के, या सिलेंडर जो है वो उसका गॉसियन सरफेस जैसा है? सिलेंडर वायर है, सिलेंडर जो खोल के दिखा रखा है, वायर को बड़ा करके दिखा रखा है, उसकी सरफेस पे जो है करंट जा रहा है और अंदर नहीं है, होलो है अंदर से, ठीक है। तो जैसे वहां होता था कि चार्ज सरफेस पे रिजाइड करता अंदर नहीं होता, सेम टू सेम है यहाँ पे, करंट अगर सरफेस पे अंदर नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि जब सरफेस के ऊपर और आउटसाइड का केस डिस्कस कर रहे हैं तो जो आप डिस्टेंस लेते हो उस करंट का वो एक्सिस से मान लेते हैं हम लोग,
बहुत पतली होती है ना, थिन होती है बिल्कुल, बहुत ही पतली सी वायर है, और ये जो डिस्टेंस, ये लॉन्ग इनफाइनाइट है ऊपर से, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल हो गया। यू कैन इमेजिन कि वो एक्सिस से ही पास हो रहा है। क्लियर सभी को अभी? यस और नो? यस चलो अब हम करते हैं थोड़ा सा सॉलिड का डिस्कस। अब सॉलिड में तो सारे में ही करंट पास करते हैं, जो हमारे घर में जितनी भी तारे हैं वो होलो थोड़ी होती है, सॉलिड होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको इनसाइड वाला केस याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज इजी है। निकालना चाहो अब पेपर में, देखो इतना टाइम नहीं है कि आप चीजें निकालने के लिए बैठे, ठीक है? तो मान लीजिए लॉन्ग सॉलिड वायर है, तो पहला केस इनसाइड, सॉरी आउटसाइड ले लेते हैं, दूसरा सरफेस, और तीसरा इनसाइड। तो आउटसाइड की अगर बात करें, वही सेम चीज, मान लीजिए इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं जो इस पूरे में करंट पास हो रहा है अभी, इस पूरे में जो है करंट पास हो रहा है, लेकिन हम सारे करंट को अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सिस से पास हो रहा है, और डिस्टेंस कितना है आर, पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, वही सेम आएगा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई, मान लीजिए करंट जो भी पास कर रहा है आई बाय में जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है पॉइंट का उस एक्सिस से, वो कितना हो जाएगा आर इंटू में 2। सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर ही ले लो, अच्छा कैपिटल आर हो जाएगा सिलेंडर के लिए सरफेस पे, जब आप आगे मान लो उसका रेडियस कितना है कैपिटल आर इंटू में 2। और इनसाइड के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो आप याद रखेंगे, ये आएगा म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई आर बाय में आर स्क्वायर 2, और 2 आएगा आपके पास इनफाइनाइट की वजह से, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनसाइड के अंदर अब जीरो ना होकर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, क्योंकि कितना दूरी पे है। आप इसको समझ कैसे सकते हो, देखो जब आप इनसाइड आ गए, मान लो आप एक्सेस के ऊपर हो, ठीक है, आपने एक अंदर अगर मान लीजिए एक एम्पेयर जो लूप है वो माना, इस तरीके से इसका रेडियस आ रहा है, मैंने एक लूप माना जिसका रेडियस आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस लूप को बड़ा करते जाऊं बड़ा करते जाऊं, तो क्या इस लूप से मेरा करंट बढ़ता जा रहा है या नहीं? करंट यस मैम। बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या नहीं? यस मैम। एटलीस्ट तक बढ़ रहा है, क्योंकि वहां तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के याद रख सकते हैं, और सिंपली हम चार्ज के लिए भी यही कहते हैं, जब हम सॉलिड के अंदर निकालते हैं ना, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड शेल के, सॉलिड सिलेंडर के अंदर, तो हम यही बोलते हैं, जब हम एक गॉज सरफेस कंसिडर करते हैं अंदर, आप ये बोलते हैं वहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, कि जो चार्ज है जो आपने गॉसियन सरफेस माना है, वो जितना आप गॉसियन सरफेस बड़ा करते जाओगे, सरफेस तक लेके जाओगे, उसमें चार्ज एनक्लोज बढ़ता जाता है, तो वहां भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, जो डिस्टेंस है आर उसके आता है, यस मैम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है? तो यहां पर अब देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे बनेगा मेरा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, एडजस्ट कर लेना इसमें, ठीक है? तो आपका जो रेडियस है यहां तक आपके पास क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर तक मैक्सिमम गया जहां तक आपके पास रेडियस है, उसके बाद क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ थोड़ा याद रखिएगा, इसका आपके पास कैसे बन रहा है, ऐसे यहाँ अंदर जीरो है, यहाँ अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज सारे केसेस सेम है। थोड़ा सा इस रिजल्ट को याद रखिए, न्यूमेरिकल कोई बन सकता है तो इसी को उठा के बना सकते हैं, ठीक है? आप बस इसको ऐसे ही याद कर लो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर है। क्लियर है? यस मैम। ओके तो अभी देखो एक क्वेश्चन है, हाँ जी किसका डाउट है बताइए। चलिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। जब तक आपको नहीं बोला हो ना कि होलो है या कुछ भी, ऐसे अलग से मेंशन नहीं किया हो, टेक सॉलिड, ठीक है, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का केस है, दोनों में आप सॉलिड कंसिडर करेंगे, जब तक बोला नहीं है कि होलो है या शेल है। तो यहाँ पर भी आप होल जो सॉलिड मान के सॉल्व करेंगे, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंसेज ए बाई टू एंड ए रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज, तो मान लो यही आपके पास क्या है, तो सॉलिड का जो केस है, रेडियस बोल रहा है पहले स्टार्टिंग में कि इसका ए है, तो ए बाई टू इनसाइड पॉइंट हो गया, ठीक है, और ए आपके पास क्या हो गया, ए क्या हो गया आपके पास, आई थिंक 2a, लेट मी चेक एक, रेडियस का है रेडियस के लिए तो सिंपल हो जाएगा, एक मिनट,
आप एक काम करो, इसकी जगह 2a करो, एक बार 2a करके सॉल्व करके बताओ क्या आएगा रेशो। 2a का मतलब क्या है कि आपके पास ये पॉइंट जो है यहां है, ये आपके पास 2a है, और a बाई टू का मतलब क्या है, यहां से यहां है a बाई टू। अब इसको सॉल्व करो। b का फॉर्मूला सॉलिड के लिए, आउटसाइड के लिए क्या था बेटा? न्यू नॉट आई अपॉन टू फोर पाई, फोर पाई। इसमें से जो करंट पास हो रहा है, मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, i बाय में जो डिस्टेंस आएगा वो टोटल 2a, और लॉन्ग इनफाइनाइट का अगर हम बात कर रहे हैं, यहां बोला ना लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनटू में 2, ये बनेगा। अब बात कर लेते हैं इनसाइड की, b इनसाइड का फॉर्मूला कितना था, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टू, म्यू नॉट बाय में फोर पाई आई बाय में आर बाय में आर स्क्वायर इंटू टू, यही है ना। एट रेशो बना रहा है, एट रेशो बना रहा है, लेट्स चेक। यहाँ आर की वैल्यू कितनी आएगी अब, ए बाय टू, ए बाय टू, तो ये आगे टू नीचे, और कैपिटल आर की जगह क्या पुट करोगे आप, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए से ए कट गया, टू वन जो वन इज टू, हाँ जी वन इज टू वन है क्या, वन इज टू वन बन रहा, वन इज टू वन ही बन रहा ना। तो ये आपके पास क्या है, द रेशियो बी एंड बी डैश, बी जो है आपके पास ए बाई टू डिस्टेंस पे, ये ए बाई टू डिस्टेंस वाला है, तो ये वन इज टू वन ही बन रहा है बेटा। देखो फॉर्मूला स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता हो गया ना भाई, वन इज टू वन ही है। तो आपके पास क्या था फॉर्मूले में, ऊपर तो है स्मॉल आर, कितनी दूरी पर है, तो ये तो हो गया ए बाई टू, और नीचे था कैपिटल आर का स्क्वायर, और इसका कैपिटल आर क्या है ए, तो ए स्क्वायर आएगा ना, और इनटू में टू बिकॉज ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ से ए से ए कट गया, टू से टू कट गया, तो सारे देखो अब अगर यहीं पर डिवाइड भी अगर आप कर रहे हो तो क्या रेशो बन रहा है, वन इज टू वन। आई बात समझ में, कैसे यूज करना इन फॉर्मूलेज को, ठीक है। तो इसको एटलीस्ट याद रखो, ये वाले पे क्वेश्चन बनता है तो ये वाले फॉर्मूले पे उठा के बना सकते हैं, म्यू नॉट बाय फोर बाय इंटू आई आर टू बाय में आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सोलेनोइड पे। एन इंसुलेटेड वायर टाइटली वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, अब बहुत वायर को अगर आप ऐसे लूप्स की फॉर्म में ऐसे क्लोज हेलिक्स की तरह अगर बनाते हैं, और वो इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक मैग्नेट की तरह भी काम करता है ना, बार मैग्नेट की तरह। यस सर, इसके बारे में दो चार चीजें हैं, बताइए क्या क्या है, किसी को याद है सोलेनोइड के बारे में? सरफेस में जीरो होता है शायद, सरफेस में जीरो होता है, मैम इसके एंड पे मैग्नेटिक में काम होता है, हम तीन केसेस देते हैं, और आउटसाइड जीरो होता है लॉन्ग के लिए, बी आउटसाइड, ठीक है, सेकंड आपके पास है बी एक्सिस पे, थर्ड आपके पास है बी एजेस पे, ठीक है। आउटसाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोलेनोइड के केसेस में ओपन स्पेस ऊपर नीचे आउटसाइड क्या है, जीरो आएगा। yes, और हम केस ले रहे हैं जब लेंथ जो है, लॉन्ग सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज देन इट्स रेडियस, जो भी आपके लूप बनेंगे उनके रेडियस से, तो आउटसाइड जो है वो जीरो आएगा। अच्छा एक चीज बताएं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है, नॉन यूनिफॉर्म बनता है, यूनिफॉर्म। इनसाइड की बात करें तो ऐसे आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, ठीक है। मुझे पेन टैब ही चेंज करना पड़ेगा, पेन का जो निब है ना, ये वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। अच्छा बताइए बी एक्सिस पे कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, सेम म्यू नॉट एन आई, एन क्या है आपके पास नंबर ऑफ टर्न, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है करंट जो आ रहा है से, वो आपके पास करंट हो गया, वो सारे में से आई ही जा रहा है। एजेस पे क्या होता है सबको, तो ये दो तीन पॉइंट्स इसके याद रखें, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे हो जाना चाहिए। अभी ग्राफ बता दो इसका कैसे बनेगा,
एजेस के ऊपर, अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं मान लू, एजेस को एजेस छोड़ो, अगर आप एक्सिस पे बांध रहे हैं, एक्सिस जो है जो सेंटर से पास हो रहा है उस एक्सिस पे अगर आप मान रहे हैं, तो आपके पास क्या है म्यू नॉट एन आई। मान लीजिए ये आपके पास है, मैं एक सोलेनोइड ही बना देती हूँ यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगा इधर प्लस एल बाय टू, इधर माइनस एल बाय टू, ठीक है। तो ये आपके पास बनना चाहिए कुछ ऐसे, क्योंकि यहां से एजेस पे आधा हो जाता है ना, तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए। समझ में आ गई, सब क्लियर है? अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अलोंग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस, इफ द करंट इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, देन न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कौन क्या बोला? मेरा सेम रहेगा ना, बी विल बी सेम, फॉर्मूले से देख सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा टोरॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं। टोरॉइड क्या है? सोलेनोइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड टोरॉइड और टोरॉइडल सोलेनोइड, यही होता है ना मैम? सोलेनोइड वाला ग्राफ जीरो भी होगा कहीं पे, आउटसाइड तो जीरो होता है ना? हो गया, आउटसाइड डिक्रीज होता रहता है। अब अगर ग्राफ दिखा रहे हैं तो यहां तक ही दिखाएंगे, ठीक है, कि यहाँ इससे आधा हो गया है, तो आउटसाइड जीरो ही है। यस मैम, एनसीईआरटी में जो मतलब डायग्राम है उसमें आउटसाइड जीरो है, लेकिन वो मतलब डिक्रीज होता हुआ दिखाया है, कम होता है, सडन डिप नहीं होता होगा ना? यस मैम, एकदम से जीरो नहीं होता। ओके, मैं एक बार इसको कंसिडर करूंगी, दोबारा से देख के बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे हिसाब से होना जीरो चाहिए, कि वो किस तरह होता है वो मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगी आपके, या 5-10 मिनट बाद ग्रुप पे ही मैसेज कर दूंगी, ठीक है। चलिए ये बताइए, अ सोलेनोइड बेंट इनटू फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड अ टोरॉइड और टोरॉइडल सोलेनोइड। तो इसमें कुछ आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि आउटसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है और इसके अंदर वाला पॉइंट है। तो इन केसेस में आपके पास क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? जो पहला है, फॉर द पॉइंट इन ओपन स्पेस जो कि आपके पास एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, ओपन स्पेस पॉइंट इन एक्सटीरियर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? सेकेंड आपके पास पॉइंट बनेगा ओपन स्पेस पॉइंट इन इंटीरियर, ठीक है। और फिर हम इस मटेरियल के अंदर देखें, जो थर्ड केस है, फॉर पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड जीरो जाएगा। कौन सा जीरो होगा? इनसाइड द टोरॉइड वाला, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा आपके पास? n/2πr होता है शायद, फॉर्मूला वही है आपके पास, म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला जो आएगा इस केस में, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, लेकिन जो इसमें n निकलता है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जब हम लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इसका मान लीजिए रेडियस जो है a है, इसका रेडियस मान लीजिए b है, और अगर मैं देखना चाहूं इसके इन साइड में कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप अब दो रेडियस हो गए, तो मैं कैसे कंसिडर करूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? उसके लिए आपको लेंथ चाहिए ना, सर्कमफ्रेंस चाहिए। तो n को हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो आ रही हैं इसके अंदर, वो कैपिटल n है, डिवाइडेड बाय में 2πr एवरेज। आर एवरेज क्या है? a प्लस में b बाय में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, दिस इज योर n, क्लियर है सबको? याद रखिए जो रेडियस है इसका, ये जो बनेगा आपके पास, ये वाला जो आर है, ये आपके पास बी और ए के बीच में, यार ये कुछ मेजर पॉइंट्स है टोरॉइड के जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा बताइए, ओपन स्पेस में जीरो क्यों बन रहा है?
इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। हाँ, क्योंकि करंट, अब जब हम एम्पेयर लॉ लगाते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से मैं निकालना चाह रही हूँ, मैं इसके अलोंग एक पूरा सर्कल मानती हूँ, उसमें करंट कितना आपके पास टोटल आ रहा है जा रहा है वो देखना होता है। तो आप टोरॉइड की बात करें तो एक तरफ से तो वो बाहर आ रहा है करंट ऐसे, और एक तरफ से वो अंदर जा रहा होता है, तो जो नेट करंट हो गया वो ही जीरो हो जाता है, तो बी जीरो हो जाता है। और सेम चीज यहाँ वाले पॉइंट के लिए आएगी और सेम चीज यहाँ के लिए आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में निकालना पड़ेगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई, एन की वैल्यू कैपिटल एन बाई टू पाई आर एवरेज। दे रहे सभी को अभी? मैम एक्सटीरियर पे जीरो क्यों होगा, जैसे क्योंकि सॉलिनॉइड के केस में होता है वैसे इसमें भी है। नेट करंट जीरो होएगा बेटा, ओके okay. ठीक है। चलिए ये वाला कीजिए, टू टोरॉइड वन एंड टू हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 एंड 100 रिस्पेक्टिवली विद एवरेज रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ दे कैरी सेम करंट आई, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप इज। टोरॉइड वाला केस है, म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एन की जगह बस आपको देखना पड़ेगा क्या पुट करना है, अदरवाइज आई भी सेम है दोनों में, म्यू नॉट भी सेम है। मान लीजिए पहला वाले अगर मैं बात करूं बी वन, म्यू नॉट एन आई, आई दोनों में सेम मान लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल आई दे रखा है ना क्वेश्चन में, यही ले लेते हैं। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स कितना है पहले में, 200 बटे में एवरेज रेडियाई, आपको पहले ही एवरेज रेडियाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो 2 पाई, आपको अब कुछ नहीं करना, 40 + 20/2 मत करने लग जाना, 2 पाई × 40। ऐसे ही B2 आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टर्न्स कितना है 100 × I, सेम है दोनों में, 2 पाई × 20। अब इसको आपको डिवाइड करना है, रेशो निकालना है ना। हाँ, तो यहां से देखिए क्या क्या कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कट जाएगा, या आई है या आई से आई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 00 से ये 00 कट जाएगा। तो B1 बाय में B2 कितना बचा, 1:1। नीचे 4 है और इधर कितना है, B1 by B2 × 2 चला जाए, 1:1। क्लियर है सभी को, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं 4-5 ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे वाले पेपर में, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय 5 एम्पियर करंट एट द सेंटर ऑफ 50 टर्न कॉइल ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर। सभी बच्चे अब 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैम पिछला वाला स्लाइड एक बार दिखाना, आंसर क्या है इसका, 1:1। यस ओके, क्लियर है, यस मैम। निकालो अभी ये वाला क्वेश्चन निकालो, आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज, ये सारे क्वेश्चन निकाल लो, बस 4-5 ही है। निकाल रहे हो ना? हाँ जी बच्चों, खुशी, प्रशांत, यस मैम निकाल रहे हैं। निकाल हमें रेडियस मीटर में लेना होगा ना। आप देखो म्यू नोट का आपको वैल्यू दे रखा है मीटर में, और नीचे ऑप्शंस भी मीटर में है, तो कभी यूनिट का अगर आपको पंगा पड़ रहा है तो आप चेक कर लो कि आपके ऑप्शंस में क्या क्या यूनिट्स है। मैम ये तो सिंपल सर्कल वाला ही है ना, सर्कल के सेंटर पे निकालना है या फिर सॉलिनॉइड का केस है? सर्कल वाला ही है बेटा। यस मैम। ए अनुष्का का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी निकालें फटाफट।
बस इतनी देर का क्वेश्चन होता है, आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। टाइम कितना है, 45 मिनट्स ही तो है। कनिका कभी आ गया है, बॉयज पीछे रह गए। खुशी का भी आ गया है, रोहित का आ गया है। ठीक है, आंसर ए ही है। क्या फॉर्मूला लगाया खुशी? यू नॉट आई बाय टू आर इनटू एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे 50। नॉट बाय टू आई बाय आर, ठीक है, और इसको एन से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्न्स से जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? देखो सोलेनोइड और टोरॉइड में जो एन का वैल्यू था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, ठीक है, यहाँ पर सीधा हम नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 39.2 इंटू 10^-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर को मीटर में, पहले तो इसको रेडियस क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 × 10^-2 मीटर, ठीक है, और आपको सारी चीजें गिवन है, n 50 गिवन है, i 5 गिवन है, r आपको पता है, ठीक है, ये कर लेना। अगला करो, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज 500 टर्न्स, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लोस थ्रू इट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी। शांत का भी आ गया था आंसर, वेरी गुड बेटा। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5, देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन क्या था आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो अब आपको म्यू नॉट तो पता ही है, 4π × 10^-7, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है 500, करंट कितना है 5 एम्पियर, और लेंथ कितना है सोलेनॉइड का 0.5, बस आपको इसको सॉल्व करना है। कृष्णा ने इस बार बाजी मारी, कृष्णा ने आंसर निकाल लिया भाई पहले। खुशी का भी आ गया, अनुष्का ठीक, डी 6.28, लेट मी चेक, 6.28 × 10^-3 टेस्ला, वेरी गुड। मैं वो पिछले में नेट चला गया, मेरा नेट चला गया था, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन भी देखा अगले में, क्या कह रहे हो, चलो ये वाला करो, कौन सा था, क्वेश्चन नहीं देखा मैंने पीछे वाला। अच्छा ये लो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यू नॉट बाय टू डिवाइड बाय आर इनटू एन। चलो ये बताओ फटाफट, तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बी नहीं है, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, म्यू नॉट बाय टू इनटू आई बाय ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेडियस ऑफ कॉइल। करंट तो डायरेक्टली हो गया ना, म्यू नॉट आई बाय टू आर होता है ना, बी आई, मैंने जहां क्वेश्चन उठाया वहां आंसर गलत है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड करंट मतलब करंट और परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कॉइल। क्लियर सभी बच्चों को? यस मैम, यस। देखो इसका मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड किया है, अभी देखो यहाँ पर
ये जो पार्ट है ये मिसिंग है, तो अब इसमें जीरो मत लगा देना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये निकाल के देखना, आंसर मैं आपको दे रही हूं, और मैच कर लेना। क्लियर है? बस आपको इस आर्क की वजह से निकालना है। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा एंगल वही 3π/2 कितना, है। 3π/2 हो जाएगा, और इनकी वजह से आपके पास आएगा ही नहीं। अच्छा सेंटर पे इसकी इसकी वजह से नहीं आएगा, पर इसकी वजह से तो आएगा ना। म्यू नॉट बाय में फोर पाई, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाई ए, ए की जगह आप क्या पुट करोगे, आर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चलो ये आपका होमवर्क है, ये करके आइएगा। आई थिंक मैंने ये करा भी दिया आप लोगों को शायद, आज अभी हो जाएंगे बेटा। अनुष्का मैं भी कर दूंगी आफ्टर क्लास, कल मुझे टाइम नहीं मिला, कल मेरी शाम को 9:30 तक क्लास थी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, एंड मैंने, मेरे पास 5 से 7 कुछ पेपर थे जिसमें मैंने इस इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन निकाला है, 2-3 और होंगे वो ऐसे ही हैं फिगर बेस्ड, जो शायद क्लास में डिस्कस हो गए थे तो मैंने लिए नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन आ रहा है, लग रहा है क्या? मैम बट ऐसा होता है ना, फिजिक्स क्लास में मोस्टली सारे क्लास में क्वेश्चन हो जाते हैं पर टेस्ट में होते ही नहीं है। वो आपका एग्जाम प्रेशर भी तो होता है ना साथ में, और अभी तो चलो हम टॉपिक वाइज निकाल के करें तब मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन, तो एकदम से दोबारा से एक टॉपिक से दूसरे पे सेट करना दिमाग को, फिर दूसरे से तीसरे पे सेट करना, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है। अगर आप देखो हम 3 चैप्टर तीसरे पे आ गए हम लोग, मूविंग चार्जेस वाला हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी करा, फर्स्ट वाला करा, फॉर्मूला बेस्ड चीजें आ रही हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मूला से जो बेसिक बेसिक हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल ज्यादा है, मतलब बेसिक आप कह सकते हो कि किसी टॉपिक के बारे में आपको जो जनरल चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपको वो पता है तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, वो तो आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन तो कुछ आ ही नहीं रहा है। समझ में आई? अगर सारे सिलेबस से भी गो थ्रू हो जाएंगे प्रॉपरली तो आराम से निकल जाएगा।